बड़ा झटका लगा जब कमला पसंद पान मसाला के ब्रांड एम्बेसडर वो बनने के बाद ट्रोल हुए थे और इसके बाद उन्हें वापस करना पड़ा था। इससे जुड़ा वो फीस जो उन्होंने लिया, सैलरी जो उन्हें मिली थी, जो पेमेंट उन्हें मिली थी और जो डील उन्होंने किया था, डील से अपना साइन हटाने के बाद, डील वापस करने के बाद, पैसे करोड़ों के वापस करने के बाद, अमिताभ बच्चन ने अपने शो की तरफ फिर रुझान बढ़ाया। अब अमिताभ बच्चन ने एक कदम जो उठाया कि पेंडिंग में रखेंगे वो क्रिप्टो से जुड़ा वो एडवर्टाइजमेंट जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले थे। तो नतीजा ये हुआ कि अमिताभ बच्चन को उस एडवर्टाइजमेंट से दूर कर दिया गया है, इस ब्रांड से दूर हो गए हैं अमिताभ बच्चन। वेल, क्या है पूरा मामला अमिताभ का इस ब्रांड को छोड़ देने के पीछे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। वेल, यकीन आपको होगा नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन से जुड़ी इस खबर को सुनने के बाद आप सभी फिर हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये खबर वाकई में आपको हैरान करेगी। खबर कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को लेकर आई जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि आखिर ये खबर क्या है। दरअसल आप यकीन भले ना करें, लेकिन अमिताभ बच्चन को जो रिप्लेस कर दिया गया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अमिताभ बच्चन की रिप्लेसमेंट हो गई है ऐसी जगह से जो शायद आपने जाना भी ना हो। वेल, इस रिप्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना ना हो। दरअसल वो रिप्लेसमेंट है अमिताभ बच्चन का एक ऐसे एडवर्टाइज से जिसमें अमिताभ के साथ ही फिल्म गुलाबो सितारों में काम कर चुके आयुष्मान खुराना को ले लिया गया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो दरअसल ये पूरी तरह से कहानी है कोइन DCX ब्रांड एम्बेसडर बनने की, जहां पर अमिताभ की जगह आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। अमिताभ बच्चन ने लगातार डेट आगे बढ़ाया, एंडोर्समेंट का डील को बढ़ाया और इसके बाद क्लैरिटी भी नहीं दी लीगैलिटी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया को लेकर, जिसके बाद आयुष्मान खुराना को चुना गया। ये आपको बता दें, कॉइन DCX के साथ अमिताभ बच्चन का डील को पॉज करना करोड़ों का उन्हें नुकसान भुगतने के लिए अब मजबूर कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी क्रिप्टो करेंसी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बात ऐसी उन्होंने बताई है जो शायद आपको यकीन ना हो। यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे एक बार फिर से, बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय कॉइन DCX इसलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी मशहूर है, जहाँ अमिताभ बच्चन की जगह आयुष्मान खुराना को लेने की बात हुई। कॉइन DCX ने कहा, खुराना हैज़ ऑलवेज कम अक्रॉस एज अ फ्रेंडली इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी हु हैज़ अ नैक फॉर कनेक्टिंग विद बोथ यंगर एंड ओल्ड जनरेशन विद हिज एक्सेम्पलरी वर्क। आवर फोकस ड्यूरिंग दिस कैंपेन विल बी टू डिस्पेल द वेरियस माइथ सराउंडिंग क्रिप्टो बेस्ड इन्वेस्टिंग and breaking down the simple steps needed to enable anyone to start their crypto investment journey. दरअसल ये आपको मालूम हो ना हो, लेकिन अमिताभ को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े तादाद में पैसे मिलने वाले थे, लेकिन अब आयुष्मान को क्रिप्टो के लिए कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर बनकर बड़ा तादाद में फ़ायदा मिलने वाला है। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना अमिताभ बच्चन के बारे में, हमने हमारे इस खास रिपोर्ट में बात की है, इसी के साथ साथ हमने आपको जानकारी दी है कि वाकई में अमिताभ बच्चन किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं फिलहाल ट्रॉलर्स के निशाने पर बनने की वजह से। वक्त हो गया है आपसे यहीं पर विदा लेने का। बॉलीवुड टाउन की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बॉलीवुड अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।